माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तो अभी है सुबह का टाइम, आप सभी को गुड मॉर्निंग और बज गए हैं 8:15। मिष्टी जस्ट अभी गई है स्कूल। मैंने सोचा था पहले वीडियो स्टार्ट करूंगी उसको तैयार करते हुए से, पर वो उठी ही इतना लेट। फिर जैसे ही वो उठती है ना तो फिर भागम भाग सी हो जाती है। 8 बजे तक तो उसकी वैन आ ही जाती है और वो 7:30 बजे उठी है। तो सोचिए आप आधे घंटे में उसको दूध वूध पिलाना, उसको रेडी करना बड़ा भारी काम हो जाता है। तो इस बीच में वीडियो में स्टार्ट कर ही नहीं पाई। और हमारे भृगु ने देखिए आप अभी से ही खिलौने वगैरह फैला दिए हैं। ये देखिए भृगु अपना गिटार से खेल रहा है। काय से खेल रहा है भृगु? गिटार से। और उसने अभी से ही सारे टॉयज फैला दिए हैं। और मेरा अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, सारा काम बाकी है। तो चलिए लग जाते हैं सुबह के काम पर। और आज मुझे स्पेशल बनानी है, कुछ होली की तैयारी करनी है। होली आने वाली है तो उसके लिए भी मैं कुछ बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को कर देते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपने बेडरूम की सफाई करूँगी। उससे पहले जितने भी सारे ब्लैंकेट्स वगैरह हैं और ये पिलोज़ वगैरह, इन सबको अलग से घड़ी करके अच्छे से इनको मैं एक तरफ रख दूँगी। और जितने भी सब सामान हैं रखे हुए हैं बेड पर, सुबह उठते ही ना इन्होंने लैपटॉप वगैरह ऑन कर लिया था क्योंकि इनको ऑफिस का कुछ काम था, इससे रिलेटेड इन्होंने लैपटॉप ऑन करा था। तो फिर ये चालू था तो उसको फिर मैंने यहाँ जो मेरा दूसरा बेड है उस पर रख दिया है। तो सुबह के टाइम में जितना हो सकता है ना उतना, मतलब अपना रूम ऐसा भरा भरा सा लगता है तो उसको खाली करने के लिए हमको ये मान लीजिए आधा घंटा समथिंग जाता ही है। सुबह का टाइमिंग जब भी आप क्लीनिंग करते हो, झाड़ू लगाते हो, तो आपका आधा घंटा एक्स्ट्रा चाहिए होता है क्योंकि आपको जितने भी सारे सामान हैं उनकी घड़ी वगैरह करना, ब्लैंकेट्स वगैरह हुए, चादर वगैरह, इन सब की घड़ी करके एक तरफ रखने पड़ते हैं। तो मैंने अपना डबल बेड सही कर दिया था, इसके बाद मैं इधर आ गई हूँ। ये जो मेरा छोटा वाला बेड है इस पर भी मैं अच्छे से चादर को अच्छे से बिछा दूँगी और मेरे गद्दों को भी मैंने अच्छे से नीचे से सेट कर दिया था, उसके बाद ये चादर बिछा दिए। और आज फाइनली टाइम निकाल करके मैं अपने रूम के जितने भी सारे जाले हैं इन सबको साफ़ कर लूँगी क्योंकि कि हम डेली डेली साफ़ सफाई कर लेते हैं और जाले लेना भूल ही जाते हैं। और मैं भी डेली सोचती हूँ कि आज इधर से जाले लूँगी, पर जल्दी जल्दी में जैसे सुबह मिष्टी की स्कूल की जल्दी होती है उसके बाद मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, जाले वगैरह पर इतना ध्यान नहीं देती हूँ। पर फिर आज मैंने स्पेशली सोचा ही था कि मिष्टी के जाने के बाद आज मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। तो सबसे पहले जितने भी सारे ये अंदर मेरे जो बेडरूम के जाले हैं इन सबको मैं अच्छे से झटक लूँगी। और ख़ास तौर से ये होता है कि हमारी अलमारी के ऊपर, ड्रेसिंग के पीछे और ऊपर की साइड में जहाँ पंखे वगैरह की साइड में भी जाले लगे हुए होते हैं तो वो मैं अच्छे से। तो मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम में और जितने भी सारे जाले इस वाले रूम में हैं इन सबको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और मेरा ये जो जाले साफ़ करने वाला है इसका बीच में से जो पार्ट होता है वो टूट गया है, तो ये क्या हुआ रिसक रिसक के फिसल फिसल के जाता है ना, ऐसे जा रहा था। फिर अभी तो इसको चेंज, वैसे तो अच्छा ही रखा हुआ है ये, बस वे जॉइंट से टूट गया है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसको टेप वगैरह से चिपका करके या फिर किसी तार से अच्छे से इसको बांध दूँ ताकि कि ये इतना फिसल फिसल के ना जाए। तो मैंने इस बीच में जैसे कि इन रूम की तो सफाई करी थी, साथ के साथ में मैंने अपने जो बाथरूम के जाले हैं और किचन के जाले हैं इनको भी साथ में ले लिया था। तो यही होता है कि आप जाले वगैरह कभी भी साफ़ करते हो तो एक साथ सब जगह के ले लो तो दिक्कत नहीं रहती है। और अब मैं अपनी झाड़ू लगा लूँगी। तो मैंने साथ के साथ में ना अंदर वाले रूम के जैसे ही जाले लिए थे तो साथ में अंदर वाले रूम की झाड़ू पहले ही लगा ली थी, फिर ये बाहर वाले रूम की झाड़ू मैं अभी लगा रही हूँ। तो अंदर वाले रूम की सारी अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है और बस ये बाहर वाले रूम की करनी है। इसके बाद मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी और फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ रूम में और हमारा भृगु देखिए केला खा रहा है। क्या खा रहे हो भृगु? केला। बनाना खा रहा है। और इसका सुबह उठते या तो उसको फ़ोन चाहिए होता है या फिर टीवी चाहिए होती है। टीवी जला रखी है मैंने और मैंने अपना किचन के बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए सुबह के टाइम के और किचन भी साफ़ कर दिया है। आज मेरे है व्रत, पर ये नहीं कर रहे हैं, इनके लिए कुछ बनाना है। तो पहले मैं नहा लेती हूँ उसके बाद किचन में जाऊँगी। और मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया, वैसे तो गर्मी आ गई है पर फिर भी अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही ठंडे पानी से नहाने की तो थोड़ा सा सोच रही थोड़े से दिन और नहा लूँ, फिर तो है ठंडे पानी से नहाना ही है। तो बस चलिए अब फटाफट से नहा करके आ जाती हूँ। अभी जस्ट मैं आ गई हूँ नहा करके और आज मैंने साड़ी पहन ली है, मन कर ही आया साड़ी पहनने का। बस ऐसे ही देखिए ये वाली ऑलरेडी मैंने आपको दिखा रखी है पहन के।
कहाँ चले ब्रगु? मैंने जैसे साड़ी पहने ना तो ब्रगु को लग रहा है हम कहीं जा रहे हैं तैयार हो गए, तो बोल रहा है मम्मी अपन बाहर चले। और मैंने ब्रगु को भी ना नहाने से पहले ही तैयार कर दिया था, क्योंकि ये ना अब ऐसा लगता है कि यार नहाने से पहले अगर बच्चों को फ्री कर दे तो टेंशन खत्म हो जाती है बच्चों को रेडी करने की। तो मैंने इसको ब्रगु को नहला दिया था, है ना ब्रगु? नहा लिया, अच्छा लगा ब्रगु को नहा के। और अभी अचानक से ही जिस सुबह तो थोड़ी बहुत धूप निकल रही थी, कल रात में भी बादल हो रहे थे, पर अभी अचानक से ही मौसम बिल्कुल खराब हो गया है। आंधी चल रही है और हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आ रही है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कैसी बारिश की बूंदें, मतलब थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये बूंदाबांदी हो रही है, मतलब कैमरे में ना अच्छे से दिख नहीं रही थी पर बूंदाबांदी हो रही थी। और मौसम भी आप देखिए बादल काफ़ी ज़्यादा घने हो रहे हैं और अचानक से ही मौसम पलट गया, पता ही नहीं चला। ऐसा होता है ना अचानक से ही मौसम पलट जाता है वैसा। तो फिर अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं अपने लिए बनाऊँगी साबूदाने की खिचड़ी। तो साबूदाना मैंने सुबह ही गला करके रख दिया था, तो यहाँ पर मैं मूंगफली दाने सेक लूँगी, क्योंकि मैं मूंगफली दाने डालकर ही बनाती हूँ खिचड़ी जब भी बनाती हूँ। तो और मैंने साथ में मैं लूँगी थोड़ी सी छाछ, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि अभी ठंडा सा मौसम हो गया ना तो गला ख़राब हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर तेल ले लिया था वो मूंगफली का, उसमें आलू डाल दिए थे, हरी मिर्च डाल दी थी, उनको पका लिया था अच्छे से। फिर ये देखिए गले हुए साबूदाने हैं, ये डाल दिए हैं। और इसके बाद मैंने सिकी हुई मूंगफली इसमें डाल दी है। इसमें फिर मैं डाल दूँगी नमक, सेंधा नमक, और जो घर की लाल मिर्च मैंने बना रखी है फलाहारी, वो लाल मिर्च मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी खिचड़ी बिल्कुल बन करके तैयार है। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर लूँगी मिक्स और इसे थोड़ी सी देर ढक करके पकाऊँगी, क्योंकि इसे ढक करके पकाएँगे ना तो हमारी खिचड़ी थोड़ी सी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे साबूदाने की खिचड़ी बनकर के बिल्कुल तैयार है, साथ में है थोड़ा सी छाछ, ज़्यादा नहीं है, बस मैं खा लूँगी इसे। और इन्होंने मुझे काम दे दिया था प्रेस करने का, तो मैं इनकी शर्ट पे कर रही हूँ प्रेस, शर्ट और जींस दोनों पे करनी है। काम जितने भी सारे होते हैं ना सब कर लेती हूँ मैं, बस सबसे ज़्यादा बेकार जो काम मुझे लगता है वो होता है प्रेस करने का। प्रेस नहीं होती मेरे से, मतलब बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बैठती है। और शर्ट वगैरह के जैसे कि होती है ना उनके सल वगैरह अच्छे से सेट करके फिर प्रेस करो, तो वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। पर फिर भी मैं काम चलाओ प्रेस तो कर ही देती हूँ, इसलिए फिर मैं इनके प्रेस करे हुए कपड़े नहीं थे तो फिर मैंने इनकी एक शर्ट और एक जींस पे प्रेस कर रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं तो फ्रेंड्स मैं अभी आई हूँ जस्ट प्रेस करके इनके कपड़ों पर, और मैंने खिचड़ी बना ली थी उसके बाद बनाए थे चावल। तो देखिए ये नमकीन चावल थोड़े से बच गए हैं प्रभु के पापा के लिए, और प्रभु के लिए बनाए थे बिना मिर्च वाले, तो ये रख दिए हैं बचा। आपको जैसे पता है होली आने वाली है, तो मैंने यहाँ पर ये आटा गूंद करके रख लिया है अपनी नमकीन वाली मछली का, थोड़ी देर गला करके रख दिया था इसको। फटाफट से इनको बना लेते हैं, अभी नहीं तलूंगी मैं इनको, अभी रख दूंगी थोड़ी देर, बाद में जब मैं उठूंगी 3 बजे के टाइम में, मतलब बीच में रेस्ट कर लूंगी, फिर उठूंगी जब मैं तलूंगी इनको, फ्राई करूंगी लाल इनको। तो आप सभी को पता है कि भई होली आने वाली है और सब लोग ज़ोर शोरों से होली की तैयारियों में लग चुके हैं, बस अब 2 दिन ही बाकी हैं होली में। तो बस मैं यहाँ पर मैं भी कुछ तैयारी कर लूँगी। आज तो मैं सिंपल ये नमक वाली मछली ही बना रही हूँ, कल देखती हूँ हो सकता है मैं मीठे वाले शक्कर पारे भी बनाऊँ या फिर थोड़ी गुंजिया बना लूँ, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बनाऊँ ही सही, पर मैं मीठे वाले शक्कर पारे ज़रूर बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर ये आटे में मैंने अजवाइन डाली थी, अच्छे से मौन डाल दिया था, नमक डाल दिया था और कसूरी मेथी डाली थी, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और मैंने इसे अच्छे से गोल बेल करके इसे रोटी बना ली है बड़ी, और देखिए इसे कट कर लिया है, मैं पतले पतले स्लाइसेस में ही कट करती हूँ, ज़्यादा मोटे स्लाइसेस मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर मैंने पतले पतले स्लाइसेस में इनको कट करके रख लिया है। और इसका साइज़ ना आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, थोड़ी सी जैसे मोटी रोटी बनानी है तो थोड़ी सी मोटी भी बना सकते हैं, मैंने मीडियम रखी थी, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। तो देखिए सब मैं काट लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए ये नमकीन वाली मटरी बिल्कुल बन कर के तैयार है। कुछ लोग इन्हें साखे भी बुलाते हैं, मैं पर नमकीन वाली मटरी बुलाती आई हूँ शुरू से ही। तो बस इनको मैं रख दूँगी थोड़ी सी देर, इन्हें तलेंगे हम थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं अपनी मटरियों को तल लूँगी, इनको बना करके रख ही लिया था मैंने, अभी शाम के बज गए हैं 4, तो फिलहाल मैं अपनी मटरियों को तल लेती हूँ अच्छे से और फिर बताऊँगी। देखिए ये इस तरह से हो गई हैं, और यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है,
तो यहाँ पर मैं अपनी जितनी भी सारी नमकीन वाली मठरी हैं इनको धीमे धीमे आँच पर तल लेती हूँ और अपने वीडियो को भी फिलहाल कर देती हूँ यहीं पर एंड। आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।